तो दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे हम। यहाँ पे इज इक्वल टू ऐड लगाया, ठीक है। ये जो फंक्शन हमने विजुअल बेसिक में बनाया था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 2.7, 7.2, ठीक है। अब ये देखिए डेसिमल नंबर लिखा है, एंटर प्रेस करता हूं यहां 10 आ जाता है। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है 2.7 और 7.2, इन दोनों को जोड़ने पर 10 थोड़ी ना आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे 10 आ जा रहा है, प्रॉब्लम है। चलिए यहां पे फिर मैं दिखाता हूं एड टू नंबर्स, यहां लिखता हूं 1.2, 2.3, ठीक है। ये दोनों नंबर लिख दिए हमने, अब दोनों का आंसर डेसिमल में ही आना चाहिए, लेकिन यहां देखिए इंटीजर लिया है तो इंटीजर में आ रहा है। सवाल ये भी है कि सर आपने विजुअल बेसिक कोड लिखना सिखा दिया एक्सेल पर, दो नंबर्स को अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर लेंगे। चलिए इंटीजर को तो ऐड कर लेंगे, अब हमको डेसिमल ऐड करना है तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सही भी बात है भाई, तो चलिए आज उसी को देखेंगे कि किस तरह से हम दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल ओपन कर लिया मैंने, अब यहीं पर वो कोड मैं लिखना सिखाऊंगा आपको। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी ऐड नाम से या इस तरह का कोई भी फंक्शन अभी तक हमारे पास है नहीं, तो हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और एड यू नाम से बनाएंगे या फिर एड डी नाम से बनाएंगे, एड डी, डी यानी डेसिमल, ओके। तो अभी क्या करना है हमें, अभी डेवलपर टैब एक्टिवेट है, यहां पर जाएंगे और ये विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। अब न्यू मॉड्यूल बना लेते हैं, न्यू मॉड्यूल बनाना बताया ही है, इंसर्ट पे जाइए, यहां पर आपको मिलेगा मॉड्यूल, क्लिक कर दीजिए, न्यू मॉड्यूल आ गया, चाहे तो नाम भी चेंज कर लीजिए, मैं मॉड्यूल 1 ही रहने देता हूं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है, लिखना है एफ यू एन सी टी आई ओ एन, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में लिखना क्या है आपको, फंक्शन आप किस नाम से बना रहे हैं, तो मैं बना रहा हूं एड डी, ठीक है, इसी नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूं डेसिमल। यहां पे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर चूंकि दो नंबर्स को लेंगे तो पहला ए ले लिया हमने, ए एज, यहां पे लिखेंगे एज, ठीक है। अब यहां पे क्या करता हूं डबल, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है डबल, देखिए यहां पे डबल आ भी जाएगा, यहां पे देखिए डबल आ रहा है, ए एज डबल हमने लिख दिया। और फिर क्या करना है हमें, फिर यहां लिखना है कॉमा देना है, ठीक है, ए एज डबल लिख करके कॉमा दीजिए और फिर लिखिए बी एज डबल, ठीक है, यहां से लिखिए डबल, डी ओ यू बी, ठीक है, तो ये हो गया डबल। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एज डबल देना है यहां पे, क्योंकि अब डबल ले रहे हैं ना हम, तो यहां पे लिखेंगे डबल, तो ये लिख दिया हमने डबल, ओके, और इस तरीके से हो गया। अब नीचे आ गए हम, ठीक है, नीचे आने के बाद क्या करना है, यहां पर हमने डबल लिख दिया है, अब यहां पर उसी फंक्शन को सेम एड डी जो बनाया ऊपर लिखा सेम उसी, अब ध्यान दीजिएगा कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये एड डी लिखा, एड डी ही लिखना है, तो ये एड डी लिख दिया। और इजी, अब यहां देखिए एड डी किसको किसको ऐड करना है, तो ऐड करना है इज इक्वल टू, पहला जो है वो है ए, ठीक है, फिर गैप देंगे, दूसरा प्लस करेंगे, फिर यहां लिखेंगे बी, ठीक है, दोनों हो गया। दोनों होने के बाद क्या करना है, बस आपका काम हो गया, दोनों हो गया तो आपका काम भी हो गया। अब यहां पे इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है, डी यही नाम है ना, एंटर प्रेस कर देता हूं, इसी नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं कहां पे, एक्सेल पे, तो यहां से इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ये मिनिमाइज कर दिया, आ गए हम एक्सेल पे, यहीं पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इज इक्वल टू का निशान लगाया, यहां पे लिखेंगे एड, अब देखिए एड डी अपने आप आ रहा है, जैसे मैंने ए डी लिखा तो एड डी आ गया। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखता हूं 7.88, लिख दिया। अब चूंकि ये ऐड करने का काम करेगा, फिर यहां पे 5.2, इन्हीं दोनों को ऐड करना है ना। अब देखिए इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया इन दोनों को ऐड करके इसने दे दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इज इक्वल टू लगाया, चलिए दूसरी बार लगा लेते हैं, एड डी अपने आप आ जाएगा, आ गया। अब यहां पे करता हूं 8.1, ठीक है, और यहां करता हूं 5.2, इन दोनों को ऐड करता हूं। अब देखिए एंटर प्रेस किया, इन दोनों को ऐड करके दे दिया इसने, तो बहुत ही आसान है। आगे चल करके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा इस पर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।